गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से जॉब टुडे में। तो फ्रेंड्स, 65वीं जो है वह BPSC रिक्वायरमेंट 2019 के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है, जो कि टोटल पद 434 पदों पे ये वैकेंसी हैं। फ्रेंड्स, ये जो पोस्ट वाइज वैकेंसी हैं इसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है ऑफिशियल, और इसके बारे में आज हम लोग जो है चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इसकी जो है सारी बातों पे, एजुकेशन एज, सैलरी, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, ऑनलाइन एग्ज़ाम और लास्ट डेट जो इसकी और ओपनिंग डेट, फिर इस सारे चीज़ों पे हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले फ्रेंड्स। तो ये बहुत बड़ा मौका है जो बिहार के स्टूडेंट उनके लिए, अदरवाइज जो दूसरे भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ये बड़ी मौका है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक कर दिए, साथ ही बेल आइकन घंटी ज़रूर प्रेस करिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन घंटी ज़रूर प्रेस करिए फ्रेंड्स, और साथ ही एक बड़ा सा लाइक भी कर दीजिए फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गंवाते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बता दूँ कि ये जो है बिहार BPSC 65वीं CCE पर एग्ज़ाम ऑनलाइन फॉर्म जो है 2019 के लिए है, जो कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा है। इसकी फुल फॉर्म है BPSC की, और पोस्ट वाइज ये वैकेंसी है फ्रेंड, जो कि वेरियस पोस्ट पे जो है अंडर 65 CC एग्जामिनेशन 2019 की है। इसकी सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट की जो बात कर ले फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट डेट जो आप देख सकें मेरे स्क्रीन पे कि स्टार्टिंग डेट जो है यह 10 जुलाई से है फ्रेंड्स, और ये जो है लास्ट डेट इसकी वो 24 जुलाई तक है। इस बार जो है बहुत कम समय मिली है अप्लाई करने के लिए, मात्र 14 दिनों की यहाँ पे समय आपको दी गई है फ्रेंड्स। 10 जुलाई से 24 जुलाई तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और इसकी जो है पेमेंट फ़ी करने की लास्ट डेट वह 30 जुलाई तक आप पेमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। साथ ही अगर लास्ट डेट कंप्लीट फॉर्म की जो है हम बात करें, जो अगर कंप्लीट फॉर्म करने का वो 6 अगस्त 2019 को दे रखी है यहाँ पे। अब बात कर ले फीस के बारे में, अगर बात करें फ्रेंड्स तो फीस जैसा कि देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी जो है वो जनरल और OBC को यहाँ पे 600 लग रही है, और अदर स्टेट वाले भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड, और उन्हें भी जो यहाँ पे 600 रुपये देनी होगी। अगर बात करें SC ST और PH या EWS या वुमेन वाले स्टूडेंट के लिए, तो उनको यहाँ पे 150 रुपया जो है लगेगी फ्रेंड। लेकिन एक ज़रूरी सी बात आप लोग को बतानी है फ्रेंड कि ऐसे बहुत सारे वैकेंसियाँ आती है, उसमें भी EWS को जो है उतना ही पैसा लगती है जितना जनरल और OBC को लगती है, लेकिन इसमें जो EWS वाले कैंडिडेट को मात्र 150 रुपये जो यहाँ पे अप्लाई करने को लग रही है फ्रेंड्स। तो ये एक अच्छी बात है। और साथ ही फ्रेंड्स, जो बात करें जॉब लोकेशन की, तो आपको बता दूँ कि ये तो जॉब लोकेशन बिहार की है, बट आप अगर किसी और भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भरने में। अगर एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो है आपकी एज की कैलकुलेशन जो है वो एज ऑन 1 अगस्त 2019 से करी जाएगी, और मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए 20 ईयर्स, और मैक्सिमम ईयर जो है एज आपकी होनी चाहिए 35 ईयर्स, और फीमेल के लिए यहाँ पे 14 ईयर होनी चाहिए फ्रेंड्स। एज में छूट मिलती है, जैसे OBC हो और SC ST हो, उनको यहाँ पे दी जाती है जो कि 3 साल और 5 साल की होती है फ्रेंड्स छूट। OBC के लिए 3 साल और SC ST के लिए 5 साल की छूट यहाँ पे मिलती है। और फ्रेंड्स, नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया था कि 334 पोस्ट जो पे निकली है ये वैकेंसियाँ, ये पोस्ट वाइज वैकेंसियाँ फ्रेंड्स, मैं आपको जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जाके इसे दिखा दूँगा। अब अगर बात करें पे स्केल के बारे में, जो कि सैलरी, तो आपको बता दूं कि ये जो है 9300 से जो है आपकी 34800 के बीच होने वाली है, जो कि 9300 से आपकी स्टार्टेड और 34800 इसकी सैलरी बन जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आप किसी भी स्ट्रीम या यूनिवर्सिटी या रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड से आपकी जो यहाँ पे वो पास होने चाहिए, आप जो है इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे फ्रेंड्स। अगर आप जो है प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम अगर पास करते हैं तभी आप जो है मेंस एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे
वह एलिजिबल होंगे, अन्यथा आप जो है नहीं हो पाएंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो बता दूँ आपको, हाइट यहाँ पे मांगी जा रही है 5 फीट 5 इंच जो नॉर्मली सबकी होती है। चेस्ट जो है वो 32 इंच यहाँ पे मांगी जा रही है। अब बात करें इसे अप्लाई कैसे करना है फ्रेंड्स, आप जो है मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएँ, आपको वहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट और साथ ही जो नोटिफिकेशन जो होती है उसकी भी आपको लिंक मिल जाएगी। और फ्रेंड्स बहुत सारी वहाँ पे वैकेंसियाँ जो आई है उसकी भी यहाँ पे लिंक मैंने दे रखा है, आप वहाँ से भी उसे चेकआउट कर सकते हो, आप रीड कर सकते हो। और मैंने यहाँ पे जो है ऊपर राइट साइड में जो आई की बटन है फ्रेंड्स उस पर भी मैंने सारी लिंक दे रखी है, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। और फ्रेंड्स अब जो है थोड़ा पोस्ट पर ध्यान दे रहे हैं। अब फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये जो है टोटल 15 पोस्ट पे वैकेंसियां हैं जो कि देख सकते हैं। पहले नंबर पे जो है बिहार प्रशासनिक सेवा जो है वह मूल कोटी जो कि अनुमंडल पदाधिकारी करिय उप सर्महात एवं समकक्ष के पदाधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग में जो वैकेंसियां हैं जो कि एक सामान्य कोटी के लिए जो है वह 11 5 1। इसी तरह से वैकेंसियाँ बहुत सारी है जो कि आपको यहाँ पे एज बता दी जाएगी, कितनी एज यहाँ पे आपको लगनी चाहिए यहाँ पे, तो ये जो 22 साल वाले स्टूडेंट भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने इसका बोला लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप अपने से खुद जो है अच्छे से रीड कर सकते हो। सबसे ज़्यादा जो है पोस्ट की बात करें जो कि UR के लिए, इसमें जो है वह एक पुलिस उपाधीक्षक गृह विभाग जो है वह आरक्षी शाखा के लिए वहाँ पर जो है Level 9 में देख सकते हैं फ्रेंड्स कि 44 जो है वह UR के लिए यहाँ पे है। इसी तरह से एक और जो है आपको 47 जो बिहार शिक्षा सेवा प्रशासन उप सर्व जो है वह शिक्षा विभाग में भी 47 जो यहाँ पे एक वैकेंसियाँ हैं जो UR के लिए ज़्यादा है। और साथ ही जो है यहाँ पे एक और है जो ग्रामीण विकास पदाधिकारी ग्रामीण विकास विभाग में भी Level 7 के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 44 पदों पे UR की भर्ती है। इसी तरह से जो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 15 पदों पे जो है भर्ती होने वाली है जो कि सब में एज रिलैक्सेशन जो है अलग अलग मांगी जा रही है जो कि 20 से कम ही है, मतलब ज़्यादा नहीं है, 20 के बाद 21 22 ऐसे उम्र सब में ली जा रही है, देख सकते हैं आप अच्छे से ध्यान में रखते हुए इसे एडिट करोगे। और फ्रेंड्स मैंने अभी तक जो आप लोग को सिलेबस और इसे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में नहीं बताया फ्रेंड, तो बता दूँ इसमें जो है 2 रिटेन एग्ज़ाम ली जाएगी आपकी, पहली जो है प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगी, दूसरी मेंस एग्ज़ाम होगी, उसके बाद आपको इसमें इंटरव्यू लिया जाएगा फ्रेंड्स, तो इसके आधार पे आपकी जो यहाँ पे मेरिट बनेगी फ्रेंड्स। लेकिन मैंने एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में आपको नहीं बताया क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, बट मैं उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप आसानी से वहाँ से जो है उसे डाउनलोड करके रीड आउट कर सकते हैं फ्रेंड। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई, अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।